इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर मैं एमरल्ड्स या फिर पन्ना स्टोन के बारे में डिस्कशन करूंगा। इसमें हम सब कुछ जानेंगे एमरल्ड्स के बारे में, राइट फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है इनका, और एंशियंट बिलीफ्स क्या थे पन्ने को लेके, और आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या बेनिफिट्स पन्ना आपको प्रोवाइड करता है। देखिए, हम सब कुछ जानेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अर्थ के अंदर एमरल्ड्स या फिर पन्ने कैसे पाए जाते हैं। देखिए, एमरल्ड का जो मिनरल है वो बेरल बोला जाता है, BERYL, और इसका जो ग्रीन कलर है, एमरल्ड्स में जो ग्रीन कलर है वो दो मेन कॉम्पोजिशन की वजह से पाया जाता है। पहला है वेनेडियम और दूसरा है क्रोमियम। जब वेनेडियम और क्रोमियम एक साथ बैरल में पाए जाते हैं तो ग्रीन कलर आता है। अगर आपके पन्ने में येलोइश स्टोन भी है ना, दैट मींस कुछ पार्ट आयरन भी है उसमें, तो वेनेडियम, क्रोमियम और आयरन जब तीनों आ जाते हैं बैरल मिनरल के अंदर, तब हमें येलोइश पन्ना मिलता है। बट जनरली 95% ऑफ द केसेस में पन्ना ग्रीन ही होता है, तो वो डार्क ग्रीन से लेके बिल्कुल लाइट ग्रीन तक भी पाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी माइन से लिया गया है। नाउ एंशियंट बिलीव्स पन्ने के बारे में या एमरल्ड के बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते थे। देखिए, पुराने ज़माने में इजिप्शियंस ये मानते थे कि जो पन्ना है वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ इविल एनर्जी से दूर रखता है, और पन्ना स्टोन क्लियोपाट्रा बहुत ज़्यादा डालती थी। देखिए, क्लियोपाट्रा हम ब्यूटी की वजह से जानते हैं, शी यूज टू बिलीव कि ब्यूटी उसकी एमरल्ड्स की वजह से बहुत ज़्यादा एनहेंस होगी, तो उसके महलों में भी अगर आप फोटोज देखेंगे गूगल पे, बहुत ज़्यादा एमरल्ड्स यूज हुए हैं, और उसकी जो ज्वेलरी थी, पर्सनल ज्वेलरी, उसमें शी यूज टू लव एमरल्ड्स एंड रूबीज बोथ। जो एंशियंट अरब्स या स्पेनिश पीपल थे, दे यूज टू यूज एमरल्ड्स फॉर ट्रीटिंग पॉइजन्स। अगर किसी ने पॉइजन ले ली उसको ट्रीट करने के लिए, या जो ऐसी डिजीजेज हैं जो नॉर्मली ट्रीट नहीं करी जा सकती, उनको ट्रीट करने के लिए दे यूज टू यूज एमरल्ड्स। और साथ के साथ हिंदू टेम्पल्स में हम सबको पता है कि जो गणेश जी की मूर्ति होती है वो एमरल्ड्स में बनाई जाती है, खास करके एमरल्ड यानी कि ग्रीन कलर में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महलों में भी, जो गणेश जी का छोटे टेम्पल्स होते हैं इंक्लूडिंग जयपुर, वहाँ पे गणेश जी जो हैं वो पन्ने से बनाए जाते हैं। देखिए, पन्ना जो है वो बुध का यानी कि मरकरी का स्टोन माना जाता है। बुध यानी कि हमारी बुद्धि, जो बुद्धि है उसके मेन कारक गणेश जी माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि एलिफेंट्स जो हैं उनकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग होती है, जो बचपन में एक एलिफेंट ने सीखा होता है अपनी ओल्ड एज तक भी याद रख पाता है, तो बुद्धि हम एलिफेंट्स के साथ जोड़ के भी देखते हैं। एमरल्ड्स बुद्धि को इंक्रीज करने के काम आते हैं, ये हम डिटेल में जानेंगे जब आप अभी हम बेनिफिट्स देखेंगे एमरल्ड्स के क्या क्या होते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि एमरल्ड्स की क्वालिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्वालिटी और प्राइस, यानी कि एमरल्ड अगर आप परचेज करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, किन किन फैक्टर्स पे इसका प्राइस डिपेंड करेगा, तो आइए हम जानते हैं 5 फैक्टर्स जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप एमरल्ड्स परचेज कर रहे हैं कहीं से भी। 5 फैक्टर्स मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ईच ऑफ दीज फैक्टर्स हाउ इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डिसाइडिंग कि आपके जो एमरल्ड है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो 5 फैक्टर्स जो एमरल्ड्स की प्राइस डिसाइड करने में सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो ये है। पहला फैक्टर कि कलर इंटेंसिटी कैसी है, जितना इंटेंस ग्रीन होगा एमरल्ड उतनी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड कि उसकी क्लैरिटी कैसी है, क्लैरिटी मींस कि नेकेड आई से क्या आपको पता लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, अगर ट्रांसपेरेंसी कम है प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आ जाता है। थर्ड, कट डिसाइड होता है कि कट कैसा हुआ हुआ है एमरल्ड का, क्या सिंपल कट है या क्राफ्टमैन है जिसने बनाया है एमरल्ड, उसने बहुत टाइम लगा के परफेक्ट कट बनाया हुआ है। तीसरी चीज हो गई कट। अब चौथी चीज हो गई वेट कितना है एमरल्ड का, यानी कि कितने कैरेट का एमरल्ड है। जितना बड़ा एमरल्ड होगा विद प्रॉपर कट, क्लैरिटी एंड कलर, उतनी ज्यादा वैल्यू होती है। देखिए, क्योंकि एमरल्ड्स जो है ना वो सॉफ्ट स्टोन्स माने जाते हैं, सफायर्स के कंपैरिजन में एमरल्ड्स आर सॉफ्टर, तो जो क्राफ्टमैन है जो बना रहा है एमरल्ड की, जो कटिंग कर रहा है, उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है एमरल्ड्स को कट करने में, क्योंकि ब्रेकिंग होने का ज्यादा चांस होता है एमरल्ड में। तो एमरल्ड जितना बड़ा आप बना पाएंगे विद प्रॉपर कट, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू मानी जाती है। और 5वां फैक्टर इज द ओरिजिन, कि कहां से निकल के आया है, कौन सी खानों से, कौन सी माइन से निकल के आया है ये एमरल्ड।
एक छठा फैक्टर जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग एमरल्ड, वो है एमरल्ड की सर्टिफिकेशन। देखिए आज के जमाने में स्पेशली जब किसी भी शहर में आप चले जाइए वहां पे 20-25 लैब्स खुली हुई है जेमस्टोन्स की, तो ये जो स्ट्रीट वाली लैब्स हैं इनका अगर सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कि जो एमरल्ड है उसकी वैल्यू बहुत कम है। अगर एमरल्ड एक अच्छी लैब से जो वर्ल्ड रेनाउंड लैब है उससे सर्टिफाइड नहीं है यू शुड नॉट परचेज इट स्पेशली फॉर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पसेस। क्योंकि होता ये है देखिए टू बी ऑनेस्ट रियलिटी इज जितनी भी ये लैब्स हैं आप अपना स्टोन लेके जाएंगे 200 रुपए या 400 रुपए या मैक्सिमम 1000 रुपए देंगे ना दे विल राइट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। सो जनरली होता क्या है कि वी ट्रस्ट एनी सर्टिफिकेट दैट वी गेट एनी एक्स वाई जेड लैब का सर्टिफिकेट देख लेते हैं और देख लेते हैं कि नेचुरल एमरल्ड है एंड वी ट्रस्ट दैट। बट दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। जब आप एमरल्ड परचेस कर रहे हैं ना वो बहुत ही रिनाउंड लेबोरेटरी से होना चाहिए, जैसे कि GRS हो गई जो स्विट्जरलैंड की बहुत अच्छी लैब है, या फिर IGI होगी जो इंडिया की बहुत अच्छी लैब है। ये हम डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में। बट सिक्स्थ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ योर एमरल्ड इज द सर्टिफिकेशन ऑल्सो। तो 6 पॉइंट्स टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ योर एमरल्ड क्या क्या हो गए। कलर इंटेंसिटी होगी, कितना डीप ग्रीन कलर है। सेकेंड, क्लैरिटी कितनी अच्छी है एमरल्ड की। थर्ड, कट कितना अच्छा हुआ है, क्राफ्टमैन ने कितनी ज्यादा मेहनत करी हुई है। चौथा, कि उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ का है। और फिफ्थ, कि उसका ओवरऑल वेट कितना है, यानी कि कितने कैरेट्स का एमरल्ड, जितना बड़ा उतनी ज्यादा वैल्यू। एंड साथ के साथ छठी जो हमने डिस्कस करी कि आपने ये देखना है कि उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो इंटरनेशनल लैब से हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अब हम एक एक करके इन सब फैक्टर्स पे डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला फैक्टर आ गया कलर इंटेंसिटी। तो कलर इंटेंसिटी, जितना ज्यादा इंटेंस ग्रीन होगा आपका एमरल्ड उतनी ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी उसकी मार्केट के अंदर। उसके बाद अगर ग्रीन कलर फेड होता जा रहा है और लाइट ग्रीन तक आ गया, दैट मींस वैल्यू ऑफ दिस स्टोन इज नाउ नॉट दैट मच। चाहे वो जितना मर्जी ट्रांसपेरेंट हो, कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ योर एमरल्ड। एमरल्ड्स को पहचानने के लिए दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि क्लैरिटी कैसी है। देखिए नेकेड आई से जब आप एमरल्ड को देख रहे हैं ना, आपको उसकी इंक्लूजन्स नहीं दिखनी चाहिए। इंक्लूजन्स हमें जनरली माइक्रोस्कोप से देखने से ही दिखनी चाहिए एमरल्ड में, अगर उसकी अच्छी वैल्यू चाहिए तो। अगर आपको नेकेड आई से इंक्लूजन्स दिख रही है या फिर ये दिख रहा है कि स्टोन जो है वो धुंधला है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसकी ऑटोमेटिकली ये समझ लीजिए कि वैल्यू बहुत कम होने वाली है। और अगर उसमें ज़्यादा इंक्लूजन्स है उतनी ज़्यादा वैल्यू कम हो गई, जितनी कम इंक्लूजन्स है उतनी ज़्यादा वैल्यू हो गई इस एमरल्ड की। एमरल्ड में इंक्लूजन्स चेक करने के लिए बेस्ट मेथड ये होता है कि जो आपका एमरल्ड है उसको आप 10 से 12 तक पकड़िए और ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे घुमा के देखिए कि आपको हर जगह इंक्लूजन्स दिख रही है कि नहीं। जितनी इंक्लूजन्स कम होंगी उतनी ज्यादा वैल्यू है एमरल्ड की, जैसे हमने डिस्कस किया। अब एमरल्ड का जो कट है, जो क्राफ्टमैनशिप है एमरल्ड के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। बिकॉज देखिए एमरल्ड का जो हार्डनेस है ना वो 8 से लेके 10 आता है अगर आप मोह स्केल पे देखेंगे। जो सफायर्स हैं वो 9 की रेंज में आते हैं, तो सफायर्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और डायमंड्स 10 आते हैं, तो डायमंड्स तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो जब एमरल्ड्स को बना रहा है एक क्राफ्टमैन, एमरल्ड्स को कट दे रहा है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि एमरल्ड ब्रेक हो सकते हैं। दैट इज वाई जो एक्सपीरियंस्ड क्राफ्टमैन होगा ना, जिसको बहुत ज्यादा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो ही एक अच्छा कट निकाल के दे सकता है। जो अच्छे कट वाले एमरल्ड्स हैं उनकी ऑटोमेटिकली वैल्यू ज्यादा होती है। देखिए कट इस वे से डिसाइड किया जाता है कि कब इस स्टोन के अंदर मैक्सिमम लाइट घुस सके। जब स्टोन के अंदर मैक्सिमम लाइट घुसेगी तभी वो ग्लो करेगा, अपना एक्चुअल कलर दिखाएगा। तो वो एक्चुअल लाइट का कलर देने के लिए क्राफ्टमैनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एमरल्ड्स की जो क्राफ्टमैनशिप है ना वो सबसे डिफिकल्ट भी मानी जाती है एज कंपेयर टू सफायर्स या फिर अदर जेमस्टोन्स, क्योंकि एमरल्ड्स एक तो सॉफ्ट है तो ब्रेकेज का ज्यादा चांस है, क्राफ्टमैन को ज्यादा ध्यान से काम करना पड़ेगा। इसीलिए जब आप एमरल्ड्स ले रहे हैं, जितना बड़ा एमरल्ड परफेक्टली बनाया गया है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू आ गई। देखिए 1 ग्राम के अंदर 5 कैरेट्स होते हैं, तो जितने ज्यादा कैरेट का एमरल्ड है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू हो गई। एमरल्ड्स के 3 मेन ओरिजिन्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट एमरल्ड माना जाता है, दैट इज कोलंबियन एमरल्ड। सेकेंड नंबर पे जो बेस्ट एमरल्ड माना जाएगा दैट इज जैम्बियन एमरल्ड। कई लोग जैम्बियन को ज्यादा अच्छा मानते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज जो जैम्बियन पन्ने हैं ना वो बहुत ज्यादा बल्क में अवेलेबल है।
जो चीजें ज्यादा बल्क में अवेलेबल है उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जो कोलंबियन पन्ने हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है दैट इज मच लोअर देन जैम्बियन। तो इसीलिए जैम्बियन आपको सस्ते मिलने ही चाहिए एज कंपेयर टू कोलंबियन पन्ना। और थर्ड पन्ने आपको ब्राजील में मिल जाएंगे, बट जो ब्राजील का पन्ना है ना उसमें ज्यादा रेशे होते हैं, यानी कि ज्यादा इंक्लूजन होंगी अंदर, तो वो दिखने में इतना अच्छा बढ़िया नहीं होता। तो बेस्ट पन्ना कोलंबियन पन्ना माना जाएगा। ये देखिए मैं आपको सर्टिफिकेट्स दिखाता हूँ। अब ये पहला सर्टिफिकेट आ गया कोलंबियन पन्ने का, इसमें डायरेक्टली मेंशन होता है कि सोर्स जो है वो कोलंबिया है। जब जैम्बिया का पन्ना होगा उसमें सोर्स डायरेक्टली जैम्बिया मेंशन किया जाएगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करने जा रहे हैं। देखिए जब आप एमरल्ड या पन्ने की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में जब चीटिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं, वो है उसमें कौन सी ट्रीटमेंट हुई हुई है। तो सबसे बेस्ट पन्ना, देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट में आपको भी दिखा रहा हूं, सबसे बेस्ट पन्ना वो होगा जिसमें नो ऑयल लिखा होगा सर्टिफिकेट के अंदर। नो ऑयल का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी ऑयल नहीं यूज हुआ फॉर ट्रीटमेंट। जनरली देखिए थोड़ा सा ऑयल तो हर पन्ने में यूज होता ही होता है। अगर आप जो पन्ने के व्यापारी होते हैं उनको देखेंगे ना, वो ऑयल में ही डाल के रखते हैं पन्ने को। बट सबसे बेस्ट पन्ना वो माना जाएगा जिसके सर्टिफिकेट में आपको रेनाउंड लैब से ये लिखा हो, मेंशन हो कि इसमें नो ऑयल हैज बीन यूज्ड, यानी कि आज तक उसमें ऑयल की ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसमें नेचुरल शाइन है। ऑयल की ट्रीटमेंट कब पड़ती है, जब हमें उसमें और शाइन लेके आनी है। तो बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट पन्ने जो आपको मिनिमम टू मिनिमम इन माई एक्सपीरियंस $10,000 पर कैरेट मिलेंगे, वो होंगे नो ऑयल पन्ना, नो ऑयल एमरल्ड्स। अब सेकेंड बेस्ट जो आप मार्केट में देख सकते हैं वो ये देखिए, सेकेंड बेस्ट में क्या होगा कि इनसिग्निफिकेंट ऑयल लिखा होगा या तो, या फिर लिखा होगा कि माइनर एनहेंसमेंट। तो माइनर एनहेंसमेंट और इनसिग्निफिकेंट ऑयल में सेम डिफरेंस है, ये दोनों अच्छे माने जाते हैं। और आज की डेट में आपको मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स ऐसे ही मिलेंगे एमरल्ड के जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसमें इनसिग्निफिकेंट या फिर माइनर एनहेंसमेंट करी गई हो। अब देखिए इन सर्टिफिकेट्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मेंशन होता है एक अच्छी लैब के उसमें कि कौन सी ट्रीटमेंट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है इनसिग्निफिकेंट ऑयल और इसमें लिखा हुआ है कि माइनर एनहेंसमेंट। अब देखिए 95% जो आपको पन्ने इस टाइम पे आप मार्केट जाएंगे मिलेंगे वो होंगे विद फिलर्स। फिलर्स क्या होते हैं आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। जब एक पन्ना हमें माइन से मिला और उसकी कोई शाइन ही नहीं है, कोई कलर ही नहीं है, तब क्या किया जाता है, देखिए उसके अंदर वैक्यूम यूज करके पॉलीमर भरा जाता है। जब आप पॉलीमर ग्रीनिश कलर का उसके अंदर भर देंगे विद यूजिंग वैक्यूम, तो वो ऑटोमेटिकली वैसा कलर देना स्टार्ट कर देगा, ऑल्दो इसका एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर फिलर्स वाले आप एमरल्ड्स डाल लेंगे, ज्वेलरी में डाल सकते हैं जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल, बट आई होप कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे ही देख रहे होंगे। उस केस में अगर किसी भी तरह की और ट्रीटमेंट है अपार्ट फ्रॉम ऑयल या फिर माइनर, उसके अलावा आपको कोई भी एमरल्ड नहीं लेना चाहिए। अगर कोई और एमरल्ड लेंगे दिस विल नॉट वर्क एस्ट्रोलॉजिकली। देखिए अब मैं आपको लिस्ट ऑफ लैब्स बताने जा रहा हूं जो मैं ट्रस्ट करता हूं। अदरवाइज आप कोई लोकल लैब का सर्टिफिकेट लेंगे, आई डू नॉट ट्रस्ट देम एट ऑल, क्योंकि उनको आप 500 की जगह 1000 रुपए देंगे वो कुछ भी लिखने को तैयार हो जाते हैं। आई हैव सीन दिस इन पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ भी लिख देंगे वो, कोई भी सोर्स भी लिख देंगे, वैसे मेजॉरिटी सोर्स मेंशन करते ही नहीं है क्योंकि वो डरते हैं कि हमारे ऊपर लीगल केस ना हो जाए। बट अगर उन्होंने फिर भी सोर्स लिखा हुआ है, आई डाउट दैट सोर्स विल बी राइट ऑन रॉन्ग। तो फर्स्ट सबसे बेस्ट लैब पूरे दुनिया की GIA मानी जाती है। GIA US की सबसे अच्छी मेजर लैब है। अगर GIA सर्टिफाइड कोई स्टोन है दैट विल बी परफेक्टली व्हाट इज मेंशन्ड इन दैट रिपोर्ट ऑफ GIA। सेकेंड नंबर पे जो सबसे बेहतरीन लैब्स मानी जाती हैं वो होती है स्विस लैब्स। स्विट्जरलैंड की दो लैब्स बहुत अच्छी मशहूर हैं, फर्स्ट है GRS और सेकेंड है GFCO। देखिए यहाँ पे GFCO के मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। अब GRS और GFCO में होता क्या है कि आपको मिनिमम एक महीना उनके पास स्टोन रखना पड़ता है और साथ में अगर एक ही स्टोन आप टेस्ट करा रहे हैं $1,000 तक पर स्टोन टेस्टिंग में लेता है, या फिर अगर आप बल्क में यानी कि 100-150 स्टोन्स करवा रहे हैं तो मे बी $200 तक वो एक स्टोन टेस्ट कर दें। अब होता क्या है, देखिए जिस व्यापारी को पता है कि मेरा स्टोन एक्सपेंसिव होने वाला है या फिर इसकी वैल्यू है, ओनली दे विल गेट सच रिपोर्ट्स। अगर बंदे को पता है मेरे स्टोन की वैल्यू ही नहीं है तो वाई विल ही स्पेंड $1,000 ऑन जस्ट अ सिंगल रिपोर्ट। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो अगर स्विट्जरलैंड की कोई भी लैब का आपको रिपोर्ट मिल रहा है, यू शुड ट्रस्ट दैट।
अगर आपने इंडिया की कोई लैब ट्रस्ट करनी है सो ओनली टू लैब्स आर रिकमेंडेड इन माय ओपिनियन. फर्स्ट इज IGI. IGI लैब आप बहुत इजीली ट्रस्ट कर सकते हो. और सेकेंड एक जयपुर में बहुत अच्छी लैब है जिसका नाम है ITLGR. ये भी एक ट्रस्टेड लैब है. अदरवाइज चाइना में सबसे बेहतरीन लैब गिल्ड मानी जाती है, GULD. ये भी एक बहुत ही अच्छी लैब है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं आज के जमाने में. नाउ लेट्स डिस्कस कि एमरल्ड के एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिकॉज एमरल्ड मर्करी का प्रतीक होता है, यानी कि बुध का प्रतीक होता है, द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट दैट यू गेट आफ्टर वेयरिंग एन एमरल्ड इज आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होता है. योर ब्रेन विल बी मोर अलर्ट आफ्टर वेयरिंग एन एमरल्ड. एंड आपकी जो मेमोरी है ना वो भी एनहेंस होते हैं एमरल्ड डालने से. साथ के साथ एमरल्ड इज ऑल्सो बिलीव टू एनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आप अपने वर्ड्स को कैसे इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे इन कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स, दैट इज ऑल्सो एनहेंस्ड विद पन्ना. तो पन्ना स्टोन आपको ऑल इन ऑल हेल्थ बेनिफिट्स तो देता ही देता है, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करता है और रिलेशनशिप्स में भी हेल्प करता है एंड लीडरशिप क्वालिटीज भी आपके अंदर लेके आता है. देखिए, हर लीडर के लिए कम्युनिकेट करना इज द मेन थिंग. द प्राइमरी थिंग फॉर एवरी लीडर इज टू कम्युनिकेट विद हिज टीम और कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. तो अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी लीडरशिप स्किल्स भी अच्छी होती है. इसीलिए पन्ना हर बिजनेसमैन का स्टोन माना जाता है. साथ के साथ पन्ना नेटवर्किंग स्किल्स भी अच्छी देता है और इट इज बिलीव्ड कि पन्ना मल्टीपल लैंग्वेजेस जो लोग सीखते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. तो पन्ना बिजनेस मैन के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोन हो जाता है. बिजनेसेस के अलावा अगर आप लॉयर्स हैं जिसमें आपकी वाणी या फिर आपकी स्पीकिंग स्किल्स डायरेक्टली यूज हो रही है, इन दैट प्रोफेशन ऑल्सो पन्ना इज वेरी बेनिफिशियल. साथ के साथ अगर आप CA हैं जिसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है या मेमोरी ज्यादा चाहिए, या फिर आप ऐसा प्रोफेशन में हैं जिसमें आपकी वॉइस ज्यादा यूज होती हो, जैसे आप रेडियो जॉकी हैं या आप टीचर ही हैं जिसमें वॉइस ज्यादा यूज हो रही है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, इन दैट केस ऑल्सो पन्ना इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू. और लास्टली, बिकॉज पन्ना इज बिलीव टू एनहेंस ब्रेन पावर और मेमोरी स्किल्स, तो हर स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पन्ना इज अ वेरी बेनिफिशियल स्टोन. देखो, मार्केट के अंदर अगर आप पन्ना परचेज करने जा रहे हो ना, देर आर 5 to 6 वेराइटीज ऑफ स्टोन्स जो पन्ने के नाम पे बेचे जाते हैं. द फर्स्ट मेजर क्वालिटी ऑफ स्टोन दैट इज सोल्ड इन द नेम ऑफ एमरल्ड इज ओनेक्स. ओनेक्स ग्रीनिश कलर का होता है, पन्ने की तरह दिखता है, बहुत ही सस्ता स्टोन जो आपको ये बोल के बेच दिया जाता है कि ये पन्ना ही है. यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस. सेकेंड स्टोन जो पन्ने के नाम पे गलत बेचा जाता है मार्केट के अंदर, वो आ गया टर्मोलिन. टर्मोलिन भी ग्रीनिश शेड में आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखने में, बट पन्ना नहीं होगा. थर्ड स्टोन पेरीडॉट भी एक ग्रीनिश स्टोन होता है जो पन्ने की तरह दिखता है, बट इट इज नॉट एन एमरल्ड, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए. देखिए, शुरू में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था जो पन्ना है वो बेरिल यानी कि BERYL मिनरल से बना हुआ है. अब कई ज्वेलर्स ये करते हैं कि बेरिल स्टोन ही आपको दे देते हैं. यू हैव टू रिमेंबर कि पन्ना इज अ पार्ट ऑफ द बेरिल फैमिली एंड इट इज नॉट द बेरिल स्टोन इटसेल्फ. तो बेरिल स्टोन आपको बहुत ही सस्ता मिल जाता है. आपको सर्टिफिकेट बेरिल स्टोन का दे देंगे और बोलेंगे ये पन्ना ही होता है, आप नेट पे पढ़ लो. इट इज वेरी रॉन्ग. पन्ने के लिए इट इज हैज टू बी क्लियरली मेंशन इन द सर्टिफिकेट लाइक दिस वन कि ये एमरल्ड है, नेचुरल एमरल्ड विद नो हीट, नो ट्रीटमेंट या फिर नो ऑयल ट्रीटमेंट जैसे हमने डिस्कस किया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम ये जानते हैं कि कुंडली के हिसाब से मरकरी कौन सी स्थितियों में अगर बैठा हो तो आपको 100% एमरल्ड डालना चाहिए. देखिए, फर्स्ट पोजिशन, अगर मरकरी आपकी कुंडली के अंदर पैसों वाले किसी भी घर को कंट्रोल कर रहा है, दैट मींस सेकंड हाउस कंट्रोल कर रहा है. सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जितनी आपने इकट्ठी करी वेल्थ उसका घर माना जाता है. एंड 11th हाउस इज द हाउस ऑफ डेली इनकम या फिर प्रॉफिट्स. इन दोनों हाउसेस में से कोई भी हाउस मरकरी कंट्रोल कर रहा हो, यानी कि 3 या 6 नंबर राशि 11th या 2nd में पड़ रही है, यू शुड डेफिनेटली वेयर एन एमरल्ड. आपको पैसों के मामले में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. दूसरा, क्योंकि 10th हाउस हमारे बिजनेस का या फिर प्रोफेशनल लाइफ का घर माना जाता है, अगर मरकरी 10th में प्लेस्ड है या 10th हाउस में मरकरी की राशि पड़ रही है, 3 या 6 नंबर पड़ रही है, डेफिनेटली यू शुड वेयर एन एमरल्ड स्टोन. ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा. थर्ड, अगर आप हिडन चीजों में काम करते हैं, दैट मीन्स कि
ब्लैक मनी में आपका बिजनेस ज्यादा है या फिर एर्थ हाउस जो आपकी कुंडली का है वो मर्करी कंट्रोल कर रहा है एंड आपका ब्लैक का काम है, इस केस में डेफिनेटली आपको मर्करी स्टोन डालना चाहिए एमरल्ड। साथ के साथ मर्करी अगर आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड पोजिशन में बैठा है या फिर कंबस्ट बैठा है, या तो रेट्रोग्रेड है या कंबस्ट है। कंबस्ट कब होगा? जब सूर्य के बहुत ही नजदीक हो। देखिए वैसे मर्करी सूर्य से 28 डिग्रीज के अंदर अंदर ही रहता है, उसमें से अगर 8 डिग्री से और क्लोज आ जाएगा, दोनों के बीच में सिर्फ 8 डिग्री का फर्क होगा, कंबस्ट हो जाएगा। उस टाइम पे मर्करी की पावर बहुत कम हो जाती है। इन दैट केस ऑल्सो यू शुड डेफिनेटली वेयर एन एमरल्ड स्टोन। सो आई होप आपको इस पन्ना या एमरल्ड की वीडियो से 100% क्लैरिटी होगी होगी कि पन्ना स्टोन किस चीज से बना होता है, कहां पाया जाता है, कितनी इसकी कॉस्ट होती है और कब कब आपको ये डालना चाहिए। एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो को एंड करने से पहले। देखिए ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी कोलंबियन पन्ना है मेरे पास। अब इस कोलंबियन पन्ने का मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूं। द सर्टिफिकेट इज फ्रॉम गिल्ड। गिल्ड चाइना की सबसे टॉपेस्ट लेबोरेटरी है फॉर टेस्टिंग जेमस्टोन्स। इट इज अ वेरी गुड लेबोरेटरी। अब इसमें देखिए क्लियरली मेंशन है दैट ओनली माइनर एनहेंसमेंट्स आर बीन डन, दैट मींस माइनर ऑयल ट्रीटमेंट इज देयर। इस पन्ने की पर कैरेट वैल्यू इज रुपीज 1.1 लाख, 1.1 लाख पर कैरेट है ये स्टोन और 13.07 कैरेट्स का स्टोन है। दैट मींस अप्रॉक्सीमेटली 13.5 लाख रुपए का ये एमरल्ड है। इससे आपको कॉस्ट की एनालिसिस हो जाएगी कि हाउ टू डिसाइड द कॉस्ट ऑफ एन एमरल्ड। सो देखिए कोलंबियन एमरल्ड विदाउट रेशा, रेशा मतलब कि अंदर आपको इंक्लूजर्स नहीं दिख रही और साथ में बहुत क्लियर स्टोन है, ट्रांसपेरेंट स्टोन है एंड 13 कैरेट्स का बेहतरीन कट स्टोन है। सो इट इज ऑफ 13.5 लाख। अब इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एमरल्ड की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो आपके पास है या जो आप खरीदने जा रहे हैं। बट एज आई टोल्ड इन द वीडियो, एमरल्ड खरीदने का सबसे मेन आपका जो एक चीज देखनी चाहिए आपको वो है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन हैज टू बी फ्रॉम एन इंटरनेशनल लैब अगर आपने ट्रस्टेड खरीदना है, अदरवाइज इट इज अ हाई चांस कि आप लूटे जाएंगे या फिर आपको फेक एमरल्ड ही दे दिया जाएगा। धन्यवाद।